भिंड में पिछले 19 अक्टूबर स्कूल जाते समय 15 साल की छात्रा के साथ रेप कर हत्या की गई। इस संधि कत्ल का खुलासा उमरी थाना पुलिस ने करते हुए पड़ोसी किशोर को पकड़ लिया है। हत्या आरोपी का मृतिका से पारिवारिक रिश्ता है, वे रिश्ते में दूर का चाचा था। हत्या आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, फिर पीड़ित परिवार के साथ सांत्वना देता रहा। छात्रा की तलाश कराने में पीड़ित परिवार के साथ साथ खड़ा रहा। जब आरोपी की हरकतों पर पुलिस को शक गहराया तो मामला खुल गया। अब मृत छात्रा का पिता बेटी के हत्यारे को कड़ी सजा दिलाना चाहता है। पीड़ित का कहना है कि एक बार आरोपी से स्वयं अकेले में चर्चा करना चाहता है। उसने ऐसा क्यों किया? उसके साथ और भी कोई था? ऐसे कुछ जहन में सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि मेरी बेटी के हत्यारों को कड़ी सजा मिले। पीड़ित पिता बेटी के जाने का गम भूल नहीं पा रहे हैं। घर में बेटियां की सभी को याद सताती हैं। पीड़ित पिता ने अपने दर्द को बताते हुए कहा कि बेटी 19 अक्टूबर की सुबह जब निकली थी, उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। उसके बाद आरोपी का चेहरा उदास था। कुछ क्षणों के लिए दिमाग में आया, ये इतना टेंशन में क्यों है? फिर लगा कि परिवार का लड़का है, दुखी होगा। पीड़ित पिता का कहना है कि मामले के खुलासे में पहले पुलिस ने आरोपी का सामना मुझसे कराया। मैं और मेरे एक रिश्तेदार साथ पुलिस थाने में पहुंचे। यहां आरोपी ने गंदी नज़र रखने और हत्या किए जाने की बात मुझसे स्वीकारी है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे कुटुंब का ही लड़का मेरी बेटी की हत्या कर सकता है। हर रोज का आना जाना, घर पर 24 घंटे रहना, ये सब कुछ एक साथ था। मृतक छात्रा के पिता का कहना है कि बेटी की साइकिल 22 अक्टूबर को एक दिन पहले मिली थी। दूसरे दिन मैं और मेरे दो रिश्तेदार खेतों पर तलाश के लिए सुबह पहुंचे। जब खेतों पर चले तो सुबह घास पर ओस की बूंदें पड़ी थी। इस ओस की बूंदों पर कोई चलकर गया, इसके निशान मिले। इन निशानों को देख मन में शक गहराया और पैरों के निशानों के पीछे पीछे गया। इसके बाद गाँव वालों का एक कुआं था, वहाँ जा पहुँचे। मिट्टी में पैर खराब हो गए थे। कुएं के हौद में हम तीनों लोग पैर धोने गए तो वहाँ बेटी का स्कूल बैग मिला। पास में खड़ी बाजरे की फसल बिखरी हुई थी। शक गहराया, इस पर फसल के अंदर जाकर देखा तो बेटी का सब पड़ा था। इसके बाद मुझे कोई होश नहीं है। पहले भी लगा हुआ था और वो मौके के इंतजार में था कि जब उसको मौका मिले तो उसके साथ कोई घटनाकारी कर सके। और जिस दिन ये लड़की निकल रही थी उस दिन वो सुबह साइकिल में जब हवा भर रही थी, इस बार उसकी हम लोगों ने भी की है, तब इसने उसको स्कूल जाने का देखा। और तब ये घर से झाड़ू के लिए जो खरेरा उसको काटने का कहकर निकला और जहाँ पे जो घटनास्थल है वहीं पर इसने इस लड़की को पकड़ा, तुरंत वहाँ खेत में ले गया। वहाँ इससे जबरन इसने दुष्कर्म करने का प्रयास किया और उसी दौरान जब इस लड़की ने विरोध किया तो इसका गला उठकर इसकी हत्या कर दी। उसी दिन इसने जो साइकिल है वो दूसरे के खेत में वहाँ पर रख दी और ये अपने घर चला। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अबरीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।